बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी हु इज मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुश्ना तारिक साइनिंग इन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एसएलएसएस स्टूडियो वेयर इनसाइड गो ग्लोबल। डियर स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ सरम पंजाब मुल्तान हैज मेंटेन्ड इट्स प्रेसिडेंट टू प्रोवाइड नॉलेजेबल एंड एंटरटेन्ड इंफॉर्मेशन टू इट्स स्टूडेंट्स इवन इन दिस सीरियस टाइम ऑफ पेंडेमिक। आई हैव अ वेरी लाइव एग्जांपल हियर टुडे With a very sad and with a heavy heart, it is to inform you that Dr. Nadeem Abadi has lost his father today, and he has died due to this novel pandemic coronavirus. So it is my humble request to everyone to kindly stay at home and take care of their families. क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि physically stronger होंगे या उनका जो immunity system होगा वो बहुत ज़्यादा strong होगा. But many of you people are not very strong physically या उनका immunity इतना strong नहीं होता. So this is the responsibility of everyone among you to stay at home and to take care of your family members because these are the assets of you people. So अगर आपने कोशिश करें कि आप लोग ज्यादा बाहर मूव ना करें एंड इफ इट इज वेरी अर्जेंट टू गो आउट तो आप लोग प्रॉपर मेजर्स को अडॉप्ट करें ताकि लाइफ को सेव किया जा सके. बिकॉज अगर हमारे अपने आज अगर चले जाएंगे तो हम उनको वापस लेना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है. सो टू सेव द लाइफ इज द मिशन ऑफ दिस सेशन. ओके, टुडे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने सेशन के आगाज की तरफ चलते हैं. सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो कुछ बिल्डिंग बनाते हैं. सो दोज पीपल आर नोन एज आर्किटेक्ट्स. सो द पर्पज ऑफ दिस सेशन इज बेसिकली द स्कोप ऑफ आर्किटेक्चर. आई मे इफ आई स्पेसिफाई द सब्जेक्ट इन टू बेसिकली स्पेसिफिकेशन तो आप उसको यूं भी बोल सकते हैं स्कोप ऑफ आर्किटेक्चर इन सदर्न पंजाब. तो उस चीज के लिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू हैव माय को होस्ट ऑन बोर्ड मिस्टर नसर महमूद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल. सुनती कानों और देखती आंखों को मेरा सलाम. आज ये शख्स हम में से नहीं रहा. इस लाइन को आज इंक्लूड करने का मकसद ही ये था कि मैं जिस इंसान को फॉलो करता था आज वो इस जहाने फानी से रुखसत फरमा गए हैं. जी, तारिक अजीज शो से शोहरत पाने वाले तारिक अजीज साहब आज हम में से नहीं रहे. जैसा कि मेरी को होस्ट ने जिक्र किया कि हमारे जो डायरेक्टर हैं एसईडीसी डॉक्टर नदीम आबदी, उनके वालिद साहब की आज डेथ हुई है और तारिक अजीज शो के जो गेस्ट सॉरी होस्ट थे वो आज हम में से नहीं रहे. मैं दुआगो हूँ हम तमाम मुसलमानों के लिए जो लोग वफात पा गए हैं, खासकर आज में और इससे पहले जो हमारे लोग फौत हो चुके हैं उनके लिए, स्पेशल उनकी मगफरत के लिए हम लोगों को चाहिए हम लोग दुआ करें. कमिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक विद वेरी हैवी हार्ट आई वुड लाइक टू से कि ये सारी चीजें, ये सारे मामलात हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इसमें हम लोग कम अज कम इस चीज को अंडरस्टैंड करें. ये जो सारे मामलात हम देखने को मिल रहे हैं इसके पीछे रीजंस क्या हैं, इसमें आया हमारी कोताहियां हैं, हमें सीखने को नहीं मिला, या हम लोगों ने खुद अपने आप को एक साइडलाइन कर दिया कि हमने अपनी ना तो सेफ्टी मैयर्स फॉलो करनी है ना हमने जो हदायत दी जा रही हैं उनको फॉलो करना है. सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय गेस्ट वी टुडे. द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द स्कोप ऑफ आर्किटेक्चर इन साउथ पंजाब, स्पेशली इन पाकिस्तान. एज वी आर लिविंग इन साउथ पंजाब सो वी हैव टू फोकस मोस्टली ऑन द प्रोजेक्ट्स वी आर हैविंग इन साउथ पंजाब. वी आर लिविंग इन मुल्तान. मैं बताता चलूं अपने गेस्ट के हवाले से कि द प्लेस वी आर वर्किंग, यहाँ पे हमारे पास बैचलर्स इन आर्किटेक्चर हो रहा है एंड वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन साउथ पंजाब, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की मैं बात करूंगा, जो कि रजिस्टर्ड है. वी आर रिकग्नाइज विद पी कैट पी. पी कैट पी स्टैंड फॉर पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग. हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है. So today we have invited architecture Mohammad Tariq साहब with us. हम चाहेंगे कि जो architecture department का scope है, जो इसकी requirements है, हम उनपे इनसे बात करें, इनका experience हम share करें अपने audience के साथ और जितना हो सकता है इनके experience और knowledge से अपने audience को फायदा पहुंचाएं. So sir, अस्सलाम वालेकुम. तारिक साहब आप हमें सुन सकते हैं? जी, कैसे मिजाज है? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला. जी जी, गो अहेड. ऐसा सॉरी ड्यू टू
मतलब इनिशिएशन में आपका इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकी. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस यू इन सिंपल वर्ड्स. सर आपके अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए, यू हैव ऑलमोस्ट 33 ईयर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस. उसके अंदर सिंस 1987 मिस्टर तारिक महमूद जो हैं इस टाइम रॉयल आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के साथ भी इन्होंने काम किया है एंड पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स के साथ भी इन्होंने काम किया है. सो बेसिकली ही हैज ऑलमोस्ट 33 ईयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड राइट नाउ ही इज सर्विंग एज एचओडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर हियर एट इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान. सर ऑन द बिहाफ ऑफ एसीडीसी स्टूडियो ऑन द बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान आई एम वेलकमिंग यू वार्मली हियर ऑन दिस बोर्ड. सो वेलकम. थैंक यू वेरी मच. I want to put my first question here basically. I want to inquire the simple meaning of architecture or in other words, I also want to inquire the architectural history of Multan. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं खुद एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर हिस्ट्री के हिसाब से भी तो मैं कोशिश करता हूँ कि आर्किटेक्चर को डिफाइन किया जाए कि what is actual definition of architecture. इस बेसिकली ये है द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्किल्स एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन. द प्रैक्टिस ऑफ आर्किटेक्चर इज एम्प्लॉयड टू फुलफिल बोथ प्रैक्टिकल एक्सप्रेसिव रिक्वायरमेंट्स एंड दस इट सर्व्स बोथ यूटिलिटेरियन एंड एस्थेटिक एंड्स. जिससे मुराद ये है बेसिकली कि ये कम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का, इसमें आर्ट भी इन्वॉल्व है और इसके अंदर साइंस भी इन्वॉल्व है. देयर आर सम पार्ट्स जो इसमें आर्ट्स के लिए बड़ा जरूरी है कि आप एज ए आर्टिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं. आप एज ए आर्ट के तौर पे अगर आप गुड आर्टिस्ट हैं, यू कैन डू गुड स्केच टू स्टार्ट विद एनी प्रोजेक्ट. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जो सीखते हैं ड्राइंग में, पहले आप ड्राइंग को स्केच किया जाता है, उसके बाद उसकी फाइनल ड्राइंग बनती है जिसके अंदर फिर साइंस भी इन्वॉल्व है. इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनेगा, टावर बिल्डिंग कैसे रेक्ट कैसे की जाएगी ऑन साइट, तो और उसके बाद में यूज कैसे किया जाएगा. बिल्कुल, ये तो है एक बेसिक डेफिनेशन आर्किटेक्चर की. ठीक सर, इसमें मैं अपना पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा. सर बेसिकली हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं हमारे नेबर्स में सिटीज बन, डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, हम अपनी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो विदाउट एनी डिसीजन, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी आर्किटेक्ट हम लोग डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं. तो क्या सर इसमें देखा जाए तो हमें अवेयरनेस की कमी है या लोगों को आइडिया ही नहीं है कि वो फॉर व्हाट पर्पस आर्किटेक्चर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरी हम्बल रिक्वेस्ट तो यही है कि जो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस बहुत कम है. और दूसरे नंबर पे जितने भी हमारी जो अथॉरिटीज हैं यहाँ पे मुल्तान में, हम क्योंकि मुल्तान में है तो मैं इसका जिक्र करता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ लोग प्लान्स वगैरह जमा करवाते हैं, प्रॉपरली नहीं होते वो चीज़ें, एक ड्राफ्ट्समैन को पकड़ के उसे ड्राइंग बनवा लेते हैं और घर चले जाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के आप काम शुरू कर देते हैं और उस वक्त तक आपके पास ना तो कोई उसकी डिटेल्स होती हैं. अब एक ड्रॉसमैन आपको सिर्फ लाइन, 2D लाइन बना के दे देगा प्लान, और उसमें प्रॉब्लम शुरू होती है जब साइट पे हर साइट अब एक लदा है और हर प्रोजेक्ट एक सेपरेट प्रोजेक्ट है. इसके लिए हमारे पास कोई फिक्स रूल नहीं है, एक ही यानी कि छोटा 5 मरले का घर है उसमें आपके पास काफी डिजाइन बन सकते हैं. तो मेरे ख्याल से जो ये जो सबसे बड़ा इशू है ये अथॉरिटीज का है कि वो बगैर, बाज दफा कोई ऐसी भी अथॉरिटीज हैं जो प्लान तो प्रूव करती हैं लेकिन जब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और आफ्टर कंस्ट्रक्शन उसको कोई फॉलो अप प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाता है तो जो साइट इंस्पेक्टर साइट पर जाते हैं देखने के लिए वो या तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या कुछ और चीज है जिसकी वजह से वो काम प्रॉपर नहीं करते. तो ये सबसे बड़ा डिलेमा है. जी जी सर, आपकी आंसर को कंटिन्यू करें तो हमें मोस्टली देखने को मिलता है कि अक्सर औकात हमारी नई बिल्डिंग्स बनती हैं और बिल्डिंग्स विद इन नो टाइम गिर जाती हैं. लाइक सर अगर उसमें बात करें मटेरियल पे, हम बहुत बाद में आएंगे. सर हमारे पास सबसे ज्यादा डिजाइनिंग के इश्यूज आते हैं. लाइक आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक हो गया. हो सकता है कि मेरे डिपार्टमेंट का एक कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग चल रही है उसमें 20-30% 50% पार्ट होगा, लेकिन मोस्टली आर्किटेक्ट्स एंड सिविल इंजीनियर्स
का मैक्सिमम रोल उसमें देखा जाता है, लेकिन सर उसमें भी हमें कम से कम 100 में से 80% ये देखने को मिला है कि डिजाइन अप्रूव नहीं होते। हम लोग मुल्तान सिटी में बात करें, हमारे सामने कई ऐसे प्लाजाज हैं, हमारे शॉपिंग मॉल्स बने हैं, उनके डिजाइन अप्रूव नहीं होते और इन द एंड रिजल्ट हम सिविलियंस को वो भुगतना पड़ता है। तो सर इसके कसूरवार हम किसको ठहरा सकते हैं? मेरा ख्याल इसमें कसूरवार तो सभी लोग इसमें फिर शामिल आप कर सकते हैं, क्योंकि जब एक ड्राइंग आर्किटेक्ट बनाता है, ड्राइंग जाती है उसके साथ, सबसे पहले जब हमारा ब्लूप्रिंट तैयार होता है ड्राइंग का, सबसे पहले कॉपी जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को दी जाती है, स्ट्रक्चर इंजीनियर को दी जाती है, और जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर है जिसमें वाटर सप्लाई और सीवरेज के कनेक्शन वगैरह का ताल्लुक होता है, तो वो सबसे पहले यही देखा जाता है कि इसकी सर्विसेज कहाँ पे हैं अवेलेबल। उसके बाद जो इसी डिफरेंट इंजीनियर्स जो हैं वो उसी हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि हमें सर्विसेज भी देखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है और पानी कहाँ से आ रहा है और सीवरेज कैसे होगा इसका, बिल्डिंग से पानी डिस्पोज कैसे करेंगे। तो वो जब ड्राइंग्स होता ये है डायमा ये है कि लोग फीस देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर को क्यों फीस देनी है या प्लम्बिंग इंजीनियर को क्यों फीस पे करनी है किसी, तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है ये वाली। राइट सर, मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है। होपफुली हमारे व्यूवर्स को भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आई वांट टू मेंशन वन थिंग, हमारा जो इस टाइम व्यूवर का स्पैन होता है सर वो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, सो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होगी और हम कोशिश भी करेंगे हम उनको भी एड ऑन करें, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकर चलें और उनके क्वेश्चंस को भी आंसर करें। लेकिन उससे पहले सर आई वांट टू इंक्वायर वन थिंग इज दैट व्हाट आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ द आर्किटेक्चर, मतलब जिनको आप बोल सकते हैं कि जो बेसिक है बिल्कुल बेसिक, आप मतलब उसकी एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं या ऐसा ओवरऑल आर्किटेक्चर की क्या कैटेगरीज हैं, अगर आप फिर उसको मतलब उसको डिवाइड करते हैं तो एजुकेशन में, कमर्शियल में या इंडस्ट्रियल में, वो किस तरह कौन कौन से टाइप को हम यूज कर सकते हैं? ओके, इस तरह है इसके अंदर के जब आप टोटल आर्किटेक्चरल डिग्री खत्म करने के बाद यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो आपके पास एक टाइम होता है कि आप पहले तो ट्रेनिंग करें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी ऑफिस में करते हैं प्रॉपरली, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि जो जिस आर्किटेक्ट के पास आप काम करने गए हैं, अब उसमें काफ़ी सारे इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं मैं वो डिफाइन करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले देखें रेजिडेंशियल आर्किटेक्ट्स हैं जो लोग घरों का काम करते हैं, वो सिर्फ रेजिडेंशियल का काम करते हैं, ठीक है। उसके साथ इसके अंदर हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि हाउसिंग डिजाइन करनी, बेसिकली वो अर्बन डिजाइन का काम है, अर्बन प्लानिंग इसमें इन्वॉल्व है कि आप एक स्कीम डिजाइन कर रहे हैं पूरी, वो हाउसिंग के आर्किटेक्ट्स हैं। फिर इसमें कमर्शियल आर्किटेक्ट्स हैं जो लोग कमर्शियल का काम करते हैं, और फिर है कल्चरल आर्किटेक्चर भी इसमें आता है जिसमें कि आप कल्चरल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन और डिजाइन होती चीजें। फिर आप इसमें इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्ट्स भी हैं जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, जैसे कोई असेंबली की बिल्डिंग है, कोई अपने यूनिवर्सिटी की हो गई, स्कूल कॉलेज, नहीं वो आपके उसमें आते हैं एजुकेशन में आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल में मोस्टली जैसे मीनारे पाकिस्तान है हमारा, असेंबली हॉल है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, ये सब जो है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आते हैं। फिर एक कैटेगरी इसमें है इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर की, कि जिसमें इंडस्ट्री को कैसे, इंडस्ट्री बनाने वाले फैक्ट्रीज जो लग रही हैं वो प्रॉपरली पूरे अपने सारे जो प्रोटोकॉल को फॉलो अप कर रहे हैं सारे उसमें प्रॉपरली। इसके बाद हमारे पास फिर आता है हेल्थ केयर आर्किटेक्चर भी आता है जिसमें हॉस्पिटल डिजाइन है, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल डिजाइन, क्योंकि हॉस्पिटल डिजाइन बेसिकली एक बहुत ही इंटीग्रेटेड किस्म का डिजाइन हो चुका है। अब तो इतनी चेंजेस उसके अंदर आ गई कि अब नोबडी कैन इवन, सब उसको आप कैटर ही नहीं कर सकते, तो इसलिए स्पेशलाइज आर्किटेक्ट जो बन रहे हैं सिर्फ हॉस्पिटल का काम करते हैं। फिर इसके बाद हॉस्पिटैलिटी, एक और हॉस्पिटैलिटी के आर्किटेक्ट्स हैं जो कि होटेल्स, मोटेल्स और ये इस तरह की चीजें डिजाइन करते हैं। इसके बाद आपके पास एजुकेशन के लिए आर्किटेक्ट्स हैं जो एजुकेशन के प्रोजेक्ट करते हैं, जो सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। और इसके बाद आपके पास इंटीरियर आर्किटेक्ट्स हैं एक ब्रांच जिसमें कि वो इंटीरियर का काम करते हैं, उसको आप स्पेस प्लानिंग भी कहते हैं, उसको आप इंटीरियर आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। दूसरा, इसके बाद एक और ग्रीन और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की ब्रांच है
ये किसके पास लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट की लैंडस्केपिंग का काम करते हैं, फिर आपके पास अर्बन डिजाइनर्स हैं जो कि अर्बन डिजाइन का काम करते हैं कि घर किस साइज के हाइट के होने चाहिए और स्ट्रीट्स की साइज क्या, वो सारा प्लान उनका अर्बन डिजाइनर और प्लानर्स का काम है, वो लोग करते हैं मिलकर। फिर इसके बाद आपका रिक्रिएशनल आर्किटेक्ट्स आते हैं जो रिक्रिएशन का काम है सिर्फ, रिक्रिएशन में आपके ये स्टेडियम्स हो गए, जैसे अभी कतर वगैरह में काफी सारा अभी बहुत सारा स्टेडियम्स बन रहे हैं, तो वो रिक्रिएशनल आर्किटेक्ट्स हैं जो इस काम के लिए हैं। फिर आपका रिसर्च के आर्किटेक्ट्स होते हैं जो रिसर्च का काम करते हैं बेसिकली। फिर आपके पास रेस्टोरेशन के आर्किटेक्ट्स हैं, कंजर्वेशन के आर्किटेक्ट्स हैं आपके पास, प्रिजर्वेशन के आर्किटेक्ट्स हैं, और फिर हेरिटेज के आर्किटेक्ट्स हैं कि जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको लेके चलते हैं। तो इसमें सही। इतनी वैरायटी है इस वक्त, यानी कि 14-15 किस्म के इस वक्त फील्ड्स हैं जो इसके अंदर एक बंदा एक करने के बाद वो स्पेशलाइज कर सकते हैं उस काम में। और अगर वो जो बिल्कुल बंदा सर, एक हॉस्पिटल का काम करे वो मोस्टली हॉस्पिटल का ही काम करता है, क्योंकि उसकी सारा नॉलेज उसमें उसमें डालना पड़ गया उसको। अच्छा सर, इसमें सही एक जैसा चीज आप। नोटिस किया हमने, मोस्टली लोगों से अगर डिस्कस करें तो उसमें अमूमन ये कहा जाता है कि हमारे पास सिविल इंजीनियर और जो आर्किटेक्चर इंजीनियर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सर, आर सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट आर सेम थिंग्स, या इनमें डिफरेंस है कोई आपकी नजर में? नहीं, इस अ बिग डिफरेंस। अब देखें आपके सामने, अगर आपने ये भी सुना कि एक नई टर्म सुनी होगी, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट इंजीनियर विच हैज अ डिग्री इन BZU में डिग्रीज की होती है, वो राइट बेसिकली दे आर नॉट आर्किटेक्ट्स, वो बेसिकली दे आर सिविल इंजीनियर्स। उनको एक आध कोर्स पढ़ा दिया जाता है 4 साल के टाइम में, तो वो कहते हैं हम आर्किटेक्ट इंजीनियर बन गए हैं। वो कैटेगरी है बेसिकली आपकी जो कंस्ट्रक्शन सुपरविजन करते हैं बाद में लोग, एक प्रोजेक्ट डिजाइन, लेकिन वो दे कैन नॉट डिजाइन, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। आर्किटेक्ट का काम मैं अब डिफाइन कर देता हूँ, आप एक बेसिक जो है डिजाइन करते हैं पहले चीज को, उसके बाद सिविल इंजीनियर की जैसे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, सिविल में आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर आ जाते हैं, सिविल में आपके हाइड्रोलॉजी के इंजीनियर आ जाते हैं, इसमें आपके रोड के इंजीनियर आते हैं, इसमें सीवरेज के इंजीनियर जो काम करते हैं प्लम्बिंग, और फिर इसमें एक और दूसरा आता है जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी है, प्लम्बिंग है, फिर HVAC भी आती है इसी के अंदर। तो सिविल इंजीनियर का बेसिकली काम है कि वो आर्किटेक्ट के डिजाइन को लेके चलता है, जो डिजाइन उसने किया है अगर सिविल इंजीनियर उसका स्ट्रक्चर का काम कर रहा है तो ही हैज टू डिजाइन। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 20x20 फीट के कॉलम हर जगह पे चाहिए तो ही हैज टू डिजाइन दोस कॉलम्स, और उसी हिसाब से वो बीम को साइज डिसाइड करेगा कि कितना, मुझे तो एक्सपैन बताना है उसको। हालांकि हम भी बेसिकली उसका जो थंब रूल हमें भी मालूम है कि जितने फीट आपका मतलब कि बीम जा रहा है उतने इंच उसकी डेप्थ होगी, दिस इज वेरी जनरल बेसिक जो थंब रूल है, लेकिन उसको हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। उस चीज पे डिजाइन होने के बाद हम एक पूरी जो फाइनल ड्राइंग होती है वो सिविल इंजीनियर के हवाले कर दी जाती है, एज ए जो स्ट्रक्चर का काम करते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर, उसके अंदर अपना स्ट्रक्चर के स्लैब कितनी थिक होगी इसकी, और इसके बीम की थिकनेस क्या होंगी, और कॉलम के साइज क्या होंगे। वो कहेगा अगर आप 2x2 फीट का कॉलम देना चाहते हैं, वो कहेगा हो सकता है कि मैं आपको इसको 16x16 इंच का कॉलम कर दें, तो उसके अंदर आपको आपकी जो मटेरियल की भी बचत हो गई और उसमें के एस्थेटिकली भी कॉलम बहुत बड़ा कॉलम नहीं नजर आएगा आपको साइज वाइज, और जो स्पेस है वो आपको खुली नजर आती है। राइट सर, सही। तो इसमें ये सर मैं एक बेसिकली एक्सपीरियंस शेयर तो करना चाहूंगा। जी जी सर, जी आई वांट जी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। एट द वेरी स्टार्ट ऑफ माय कैरियर, मैंने एक मेगा प्रोजेक्ट मुल्तान में हुआ, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, तो मैं जस्ट वैसे एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा। मैंने काफी सर सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स देखे हैं जो कि सर ड्राइंग रीड नहीं कर सकते। अगर उनसे बात की जाए, जब हम कलेबरेशन से फील्ड में निकलते थे तो मोस्टली व्हाट आई फील कि उन लोगों को ड्राइंग पढ़ने में प्रॉब्लम आती थी। तो सर, जो हमारे पास चैलेंजेस एक आर्किटेक्ट के लिए हैं, वो चैलेंजेस क्या सिर्फ ड्राइंग को समझने और पढ़ने की हद तक है या इसके अलावा भी इस फील्ड में हमारे पास चैलेंजेस मौजूद हैं? मैं अच्छा आपने क्वेश्चन किया, खुद ही मतलब बात छेड़ दी आपने, चलो मैं इसका जवाब देता हूँ। इसमें ये है, सबसे पहले तो जो बेसिक जैसे जैसे स्कूल में आर्किटेक्चर स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो ड्राइंग जैसे ही हम लोग बच्चा सेकंड ईयर में आता है यानी कि थर्ड सेमेस्टर में, वहां से वो लोग ड्राइंग ऑन स्केल बनानी शुरू करते हैं और दे नो ईच एंड एवरी थिंग ऑन द ड्राइंग, के ड्राइंग की इंफॉर्मेशन क्या है और ड्राइंग की इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करनी है।
क्योंकि ये ड्राइंग बाद में कॉन्ट्रैक्टर के पास जानी है, और जैसे प्लान है प्लान के साथ सीक्वेंस में एलिवेशन है, फिर सेक्शंस हैं, सेक्शन उसको शो करता है बेसिकली कि उसकी क्या मतलब हाइट कितनी है अंदर से, स्लैब की हाइट कितनी रहेगी फ्लोर से, और उसमें फ्लोर की फिनिशिंग क्या आएंगी, इस किस्म की चीजें उसमें आती हैं। लेकिन मैं वैसे ऑनेस्टली नहीं कह सकता कि एक आर्किटेक्ट जो ड्राइंग नहीं पढ़ सकता, आई कैंट से ही इज एन आर्किटेक्ट, दिस इज माई माई एक्सपीरियंस। तो इसमें जी जी मैडम नहीं, आपका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि आपका वही चैलेंजेस के बारे में आएगा इसके साथ। बेसिकली मैं यही पूछना चाह रही थी, बेसिकली एवरी फील्ड और एवरी थिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, सो आपको अगर नेगेटिविटीज या पॉजिटिविटीज को इग्नोर कर दिया जाए, आई बेसिकली वांट टू आस्क दिस थिंग दैट व्हाट आर द बेसिक चैलेंजेस एनी आर्किटेक्ट हैव टू फेस इन द सोसाइटी, कि व्हेनेवर ही इज गोइंग टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन और व्हेनेवर ही इज गोइंग टू कंप्लीट हिज डॉक और पोस्ट डॉक, तो उसके बाद किस किस्म के चैलेंजेस होते हैं जो उसको फेस करने पड़ते हैं, या इस फील्ड के क्या बेसिक चैलेंजेस हैं? ओके, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक, सबसे पहले तो उसको बेसिकली जो है फाइंडिंग न्यू वर्क एंड सस्टेनेबल इनकम चाहिए उसको अपने घर लाने के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है इस वक्त कि जो भी आर्किटेक्ट फील्ड में आता है उसको नया काम कहाँ से लाना है उसने, और उसको एक सस्टेनेबल इनकम चाहिए घर में घर चलाने के लिए। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आर्किटेक्ट जो है जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैं कहीं जॉब कर लूँ, गवर्नमेंट की जॉब करूँ, या मैं किसी के पास काम करना शुरू करता हूँ, तो वो प्रॉब्लम वो है। लेकिन अगर एज अ बीइंग इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट, अगर आप खुद काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हैं और आप खुद अपना काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि काम लाना कहाँ से, और उसको कॉन्स्टेंट रहना चाहिए काम। दूसरा जो चैलेंज मेरे हिसाब से इसको आता है, arguing for the good design over cheap construction, ये biggest issue है इस वक्त इस industry के अंदर, कि आपने design तो बहुत अच्छा किया लेकिन उसके बाद contractor या owner मिलके cut corners करने शुरू करते हैं, जिसमें ये होता है कि ये सस्ता material कर दो, इसकी जगह ये लगा दो, उसकी जगह वो लगा दो, और बाद में फिर within 2-3 years आपको जी वो दरवाजे टेढ़े हो गए, फ्रेम टेढ़े हो गए मेरे, फलां चीज हो गई, विंडोज काम नहीं कर रही प्रॉपरली, क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली डिटेल के हिसाब से ड्राइंगें बनी हुई हैं, लेकिन आपने अपनी मर्जी से किसी विंडो मेकर को बुलवा के उसे विंडो का साइज दे दिया, विंडो बना के दे गया आपको, एल्युमिनियम के विंडो दे गया, अगर प्रॉपरली उसके ज्वाइंट्स प्रॉपर नहीं बने हुए, प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, तो विंडो दे डोंट वर्क फॉर दैट, तो वो प्रॉब्लम रहती है। और एक जो बड़ा इशू है इस वक्त, मेकिंग टाइम फॉर हैंड स्केचिंग। अब जो जो तरक्की करती गई है कौम हमारी, और आर्किटेक्ट भी माशाल्लाह तरक्की करते गए, अब उनके पास आर्किटेक्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक स्केच बनाएं अपने पहले घर का। सबसे बड़ा इश्यू है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, आप इंटरनेट खोलिए, आप किसी साइट पर चले जाइए, ब्यूटीफुल हाउसेस का आप डिजाइन पकड़ लें, आप उसको पकड़ के आपके क्लाइंट को दिखा देते हैं, आप उसको ट्रिम करके दे दिया उसको, उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेसिकली। वो तो आजकल भी अक्सर ये हम लोग देख रहे हैं, हमारी काउंसिल भी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए, कि 2,500 रुपए लोग नक्शा बना के दे रहे हैं, अखबार में इश्तहार हैं लोगों के, कि 2,500 रुपए में 5 मरले या 10 मरले घर का नक्शा ले लें आप, तो हाउ इट इज पॉसिबल? आपको तो अपने ऑफिस चलाने के लिए हाउ मच एक्सपेंसिस यू आर डूइंग फॉर योर ऑफिस ओनली, तो ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। और उसके बाद फाइंडिंग ग्रेट मटीरियल टू मैच विद अ ग्रेट डिजाइन, आपने अच्छा डिजाइन कर लिया कोई और आप कहते हैं कि मुझे मटेरियल भी अच्छा चाहिए इसके लिए, तो हमारे यहाँ वो थोड़ा सा मसला आता है बाज़ दफ़ा। फिर आपको लोगों को हमारी कोशिश होती है कि हम कहीं से बाहर से इंपोर्ट करें चीज़ें, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, वो आपकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 25-30% की कॉस्ट बढ़ जाती है, और बाद में हम सोचते हैं वो मैंने तो इतने का घर सोचा था 40 लाख में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ये मेरी कंस्ट्रक्शन अब 70 लाख में चली गई। उसकी वजह यही है सिर्फ, मटेरियल प्रॉपर नहीं मिलते और उसे हम लोगों को डिजाइन में और उसका आपके मटेरियल की आपकी इंटीग्रिटी नहीं होती। बिल्कुल, एक बड़ा इशू और है जो जी सर इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि कुछ दिन पहले मेरी एक आर्किटेक्ट से मुलाकात हुई, तो बिकॉज मैं भी इस कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ अरसा रहा हूं, तो मैंने कुछ चीजें काफी डीपली ऑब्जर्व की हैं सर। लाइक वी हैव 3 मेन स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, और हमारे पास
कंसल्टेंट होता है सर, इसमें मोस्टली अभी आपने बात की कि दो पार्टीज मिलके बाईपास कर देती हैं आर्किटेक्चर इंजीनियर को, लाइक जो डिजाइनिंग है उसमें कहीं ना कहीं अपने तौर पे चेंजिंग कर ली जाती है जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। तो सर उसका ये कहना था कि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें आर्किटेक्ट को वेटेज नहीं दी जाती, तो सर आपका माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस है क्या आप समझते हैं उसकी बात वैलिड है? अगर वैलिड है तो सर इसके पीछे जो हमारे मेजर्स क्या होने चाहिए ताकि जो आर्किटेक्ट का रोल है वो प्रॉपर उसको प्ले करने के लिए मिल सके? देखिए सबसे पहले इसमें वही जब पहले भी हम बात कर स्टार्ट में की हम लोगों ने कि जब एक आर्किटेक्ट डिजाइन कर देता है और वो ड्राइंगें दे देता है कॉन्ट्रैक्टर को और उसके ओनर को टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, अब टेक्निकली देखा जाए तो जो एग्रीमेंट करता है कॉन्ट्रैक्टर और वो होता है बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड ओनर, उसके अंदर डिजाइनर की कोई ले से नहीं होती टेक्निकली तो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और ओनर जब काम शुरू कर देते हैं, जब प्रॉब्लम शुरू होती है फिर वो दौड़े आते हैं आर्किटेक्ट के पास। उसमें प्रॉब्लम ये उनको आती है कि उन्होंने डिसाइड किया अपनी मर्जी से कि ये चीज जो मर्जी कर दो, अगर वो ड्राइंग के हिसाब से चल रहा है तो उसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन बाज दफा कॉन्ट्रैक्टर कहता है जी मैं आपको इससे सस्ता कर देता हूँ चीजें, ये चीजें कर लें वो कर दें मैं बदल देता हूँ चीजें, जब वो बदल देते हैं तो उसमें फिर प्राइस का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं लिखा जाता, एक वजह और भी है कि लोग जो कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं वो पर स्क्वेयर फुट रेट के हिसाब से नहीं करते, हम लोग काम एक लमसम कर लेते हैं, तो वो सबसे बड़ा इश्यू है। अगर आप पर स्क्वेयर फुट काम कर रहे हैं, अगर आपने लेट से 2000 स्क्वेयर फुट कवर एरिया किया है और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या कुछ फैमिली रिजर्वेशन के जी नहीं मुझे तकरीबन 300 स्क्वेयर फुट और बढ़ाना है, तो आपका भाई 2300 स्क्वेयर फुट कवर्ड एरिया हो गया, तो आप उसका रेट कैसे तय करेंगे आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ? अगर तो आपने पर स्क्वेयर फुट रेट किया हुआ है, लेट से कि आपने 2000 स्क्वेयर फुट का रेट किया हुआ है, तो आप उसी हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं उसको। अगर वो 2300 हो गया तो यू हैव टू गिव हिम अदर 300 स्क्वेयर फुट के पैसे देने चाहिए आप, या अगर 2000 से आपने कम कर दिया, आपने कहा मैं 1800 स्क्वेयर फुट कवर करता हूँ, एक बेडरूम में ही नहीं बनाता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्टर को आपको 200 जो पर स्क्वेयर फुट के पैसे वापस करने चाहिए जो को नहीं किए जाते। तो ये डिलेमा यहाँ पे है असल में सारा बड़ा, कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करते और फिर क्योंकि आर्किटेक्ट को बाईपास कर देते हैं ये लोग, और काम जब खत्म होता है तो वो कुछ और ही बना होता है वहाँ पे, और फिर वो आते हैं आर्किटेक्ट के पास एक सर्टिफिकेट लेने के लिए कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दें, तो वो आर्किटेक्ट अगर वो कहता है कि मेरे डिजाइन से आपने नहीं बनाया तो आई कैन नॉट गिव यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो फिर उसमें पैसे चलते हैं हमारे, जैसे एक सिस्टम है यहाँ पे आप अपने जाएंगे MDA जो भी कॉरपोरेशन का ऑफिस है वहां जाके ये कहानी चलती है, अब वो फिर इस तरह कब ये मतलब प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है सर। मोस्टली पैसे नहीं चलते, रेफरेंस ही चल जाते हैं जी। एक पॉइंट और रह गया था मेरा जिक्र करने वाला अभी, एक कीपिंग अप द ओवर चेंजिंग हार्डवेयर, अभी हार्डवेयर जो है बिल्डिंग का इतनी तेजी से चेंज हो रहा है कि आप उसको मतलब कि आप उसके साथ उस स्पेस में दौड़ ही नहीं सकते, और दूसरा है कीपिंग अप विद द इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, अब जितने सॉफ्टवेयर निकल आए हैं और अभी हैंड ड्राफ्टिंग आस्ता आस्ता दफ्तरों में खत्म होती जा रही है, तो हर मेरा ख्याल है कि 6 महीने साल के बाद एक नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, तो आप उसको कैसे ट्रेन करेंगे लोगों को अपने स्टाफ को उस नए सॉफ्टवेयर के ऊपर? जैसे पहले कैट था फिर उसके बाद अभी रैबिट आ गया है, अब रैबिट को कौन कितने लोगों कितना टाइम लगेगा ट्रेनिंग में, इवन इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर लेकिन के सर जी जी आपकी बात बिल्कुल वैलिड है सर। इस सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करूं, अभी एक स्टूडेंट का मैसेज था पर्सनली मुझे रिसीव हुआ सर, वो उसने क्वेश्चन पूछा कि एक स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होता है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करके या बी आर्किटेक्चर की डिग्री लेके, तो जो काउंसिल है पी कैट पी उन ग्रेजुएट्स के लिए अभी तक क्या इकदामात उन्होंने उठाए हैं? लाइक मोस्टली हम जॉब्स एडवर्टाइजमेंट जब देखते हैं तो उसमें सिविल इंजीनियर्स ज्यादा डिमांड होती है, आर्किटेक्चर बहुत रेयर केसेस में हमें मिलता है, तो सर क्या स्टूडेंट्स का जो कंसर्न है जॉब्स के हवाले से कि आर्किटेक्चर इंजीनियर के लिए जॉब नहीं है, तो सर क्या ये वैलिड है उनका पॉइंट, ऐसा हो रहा है हमारे माशरे में? देखिए इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हो क्या रहा है कि इस वक्त ज्यादातर आर्किटेक्ट जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं तो वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग कि आप आर्किटेक्ट बनके तो आप सिर्फ स्टैंप लगाएंगे सारी उम्र के लिए,
यू कैन नॉट डिजाइन एनी सिंगल हाउस इवन. ये मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दे सकता हूँ. जब तक आप प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं आप वहां से सीखते हैं कुछ ना कुछ, गवर्नमेंट ऑफिस में आप कुछ नहीं सीखते, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में तो आपकी हेड ऑफिस से ड्राइंगें बन के आती हैं. मैं आपको बड़ी नाम ले लेता हूँ चलो डिपार्टमेंट का, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का CNW कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट जो है, उसमें चीफ आर्किटेक्ट और लाहौर बैठते हैं पंजाब के जो. अब उन्हें उसी तरह मुल्तान है, डीजी खान है, बहावलपुर है, ये एरियाज मुल्तान मतलब है आगे से फैसलाबाद, पिंडी और मरी और सब एरियाज हैं. अब वहां अगर एक पुलिस स्टेशन बनना है मुल्तान में तो आपका आपको पता है कोई ड्राइंग कहाँ से आएंगी, डिजाइन कहाँ से आएगा? CNW के आप डिप्टी डायरेक्टर यहाँ भी बैठा है मुल्तान में, ये ड्राइंगें सब लाहौर से आएंगी, चीफ आर्किटेक्ट के ऑफिस आएंगे. वाई? जो यहाँ बंदा एक ग्रेड 18 में बैठा है डिप्टी डायरेक्टर के लेवल पे, उसका काम सिर्फ बैठ के वो जो ड्राइंगें आएंगी उसने स्टैम्प करनी उसके ऊपर, और उसका PC1 बना हुआ आता साथ, उसके बाद उसने अखबार में एडवर्टाइज करना है, 3 कॉन्ट्रैक्टर से बिड लेनी है, और उसने उसको काम दे देना है, और उसने कुछ नहीं सीखना सारी उम्र. वो जब रिटायर होता है तो ही कैन डू एनी थिंग. वैसे आर्किटेक्ट ठीक है अपनी स्टैम्प कर रहा है जो भी कर रहा है, दैट्स डिफरेंट. लेकिन काम अगर कोई ये कहे जी जॉब नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता. ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर. कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ, 1986 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ NCS से, तो द डे आई फिनिश माई थीसिस आई हैव जॉब नेक्स्ट डे. मेरा रिजल्ट भी नहीं आया थीसिस का, क्योंकि आई वर्क फॉर कंपनी. मैं स्टूडेंट टाइम के अंदर मैंने 4 साल रियाजत की, फ्री काम करता हूँ 4 साल समर के अंदर. जो आजकल के बच्चों में वो टेम्परामेंट नहीं रह गया सर, उनका वो जो टेम्परामेंट है वो इतना शॉर्ट है कि वो कहते हैं कि जल्दी से पे मिलेगी तो हम काम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, हम अपनी सर्विसेज क्यों हो रहे हैं. इसमें एक और बड़ा मैं एक टॉपिक है कि ब्रिजिंग इन द जनरेशन गैप जो है. अब वो जनरेशन गैप है इन लोगों में. हम लोगों ने सीखा था थ्रू हार्ड वे, हमारे जमाने में ये मशहूर था कि अब चल रहा है स्मार्ट वे. अब स्मार्ट वे में क्या हो रहा है कि बच्चे थीसिस भी कर रहे हैं. मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि मैं एज ए ज्यूरर BZU भी गया हूँ, मैं NFC भी जाता हूँ, लाहौर भी जाता हूँ. मेजोरिटी 50% ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट डन बाई द स्टूडेंट्स, थीसिस प्रोजेक्ट. आप मुझे 50,000 रुपया दें, मैं आपको ड्राइंग कैड में बना देता हूँ, कोई ड्राफ्ट अच्छा पकड़ लें, ही कैन गिव यू ड्राइंग फॉर दोस थिंग्स. देखा देखी का कि हम या फलाना बहुत अच्छा चला रहा है, वो निकलते उसने होंडा से गाड़ी निकाल ली, मैं तो मोटरसाइकिल पे फिर रहा हूँ, इट्स अ बिग डिफरेंस. उसने पता नहीं उसका मतलब देयर आर फैमिली इश्यूज, उसके फैमिली में सपोर्ट होगी. या एक बंदा अगर इकट्ठे ही बच्चे स्टार्ट करते हैं जॉब, लेट दे स्टार्ट किसी आर्किटेक्ट के पास काम करते हैं, 20,000-25,000 रुपए पे स्टार्ट जॉब करते हैं, मैं कैसे मान लूं कि एक बच्चा जो है 20,000 की जॉब करके गाड़ी खरीद सकता है? नो वे. वो डेफिनेटली उसके पेरेंट्स की तरफ से है या सपोर्ट है उसको कहीं और से जो जिससे उसने खरीदी है. तो ये जो गैप है बच्चों को, ये चीज हम मेक श्योर कर रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, सो कम अज कम मे बी समबडी लिसनिंग, हम उनको यही कोशिश कर रहे हैं सिखाने की कि अपने हाथ से काम करो, सीखो और फिर सीखते रहो. मैं तो खुद अपने को कहता हूँ उनके साथ बैठ के कि मैं आप लोगों से सीखता हूँ. वो हंसते हैं कि सर आप मजाक कर रहे हैं. मैं कहता नहीं, ये मजाक नहीं है. आदमी कभी भी सारी उम्र, मैं कभी भी नहीं कह सकता आई एम अ परफेक्ट मैन, आई एम अ परफेक्ट प्रोफेशनल, नो वे. हमारे जो उस्ताद थे बुजुर्ग, वो अभी तक हमें कहते हैं यार हम आपसे भी सीखते हैं कई दफा. तो देर इज नो हार्म इन दैट के बच्चे हमसे बेहतर दिमाग है माशाल्लाह उनके, दे आर फ्रेश, वो 0 मीटर गाड़ी है बेसिकली. हम लोग गाड़ियां जो है चल सकेंगे ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट. लेकिन इसमें कि थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है. मैं बच्चों को यही एडवाइस कर सकता हूँ और जो यंग प्रोफेशनल उनको, कि अपनी मेहनत करो और उसे दिल ना छोड़ो. हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने काम किए एक ऑफिस में, उसके बाद शॉर्ट कट शुरू करते हैं CV बनाने रात. आप अपने ड्यूरिंग ऑफिस टाइम में बच्चे CV बना रहे होते हैं कि यार मैं जॉब कहीं और अप्लाई करूं. तो इट्स नॉट योर टाइम, आप अपने घर में बैठ के करें वो काम. हम टाइम चोरी करते हैं वहां बैठ के बेसिकली. अगर आप, मैं स्टेट्स में था तो हमारी एक मतलब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहा था,
मेरी बॉस ने मुझे कहा कि एक बंदा अगर फोन के ऊपर 350 घंटे रहता है ऑफिस टाइम में, तो काम किस वक्त करता होगा? क्योंकि जो बिल आते थे हमारे सेलफोन के, वो कंपनी पे करती थी। तो ड्यूरिंग ऑफिस टाइम में अगर मैं तकरीबन अगर 10 घंटे मेरा, 8 घंटे मेरा टाइम है, तो मैं इसमें अगर 4 घंटे फोन के ऊपर हूँ, तो इट मीन्स आई एम नॉट वर्किंग इन द ऑफिस। मैं बेसिकली गलत काम कर रहा हूँ। तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। सर अभी अभी आपने बात की कि हम नई एडवांसमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, नए से नए हर 6 माह बाद सॉफ्टवेयर हमारे पास आ रहे हैं, तो सर क्या हमारा स्टूडेंट इतना अप टू डेट होता है वो ग्रेजुएट होने के बाद, कि हर सॉफ्टवेयर पे उसके पास ग्रिप हो, या उस ड्यूरेशन में जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे इदारों में प्रॉपरली उन पे ट्रेनिंग दी जाती है उन सॉफ्टवेयर पे? या आपको क्या लगता है कि इन सॉफ्टवेयर से बेहतर हाथ से स्केचिंग और ड्राइंग थी? सर व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखें, बेसिक जो है वो ड्राइंग हाथ से ही आपको करनी पड़ती है। आप बेशक ऑटोकैड यूज करें, आप रेविट यूज करें, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, आपको पहले हाथ से स्केच तो बनाना ही पड़ेगा ना। एक यस सर उसकी उसकी बेस पे आगे करेंगे ना। अब मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त हमारे यहाँ फ्री हैंड ड्राइंग की क्लास होती है, हम स्कल्पचर भी पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में बच्चों को, ताकि उनको फॉर्म का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फॉर्म कैसे बनती है या किस चीज को कैसे। अब मैं उसका कंपैरिजन में आपको बताता हूँ। एनएफसी इंस्टीट्यूट में देर इज नो फ्री एंड ड्राइंग की क्लास नहीं होती कोई वहां पे, और स्कल्पचर की क्लास भी नहीं होती वहां पे। तो वो आप जो एज ए आर्टिस्ट के तौर पे आर्किटेक्ट नहीं बना सकते। जो डेफिनेशन हमने स्टार्ट में की है आर्ट एंड मतलब साइंस, इट्स नॉट प्योरली साइंस, इट्स नॉट प्योरली आर्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आर्ट का स्केच पहले कोई भी फॉर्म लें, आप अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, कोई गाड़ी बनाता है, तो स्केच पहले बनाता है हाथ से, पेंसिल से स्केच बनता है, उसके बाद उसको ट्रिम करने, उसको चेंज करने के लिए वी कैन यूज ऑल दोस टूल्स। बेसिकली कैड है, रेविट है, ये एक ड्राफ्टिंग टूल है बेसिकली, इट्स नॉट डिजाइनिंग टूल। हमारे यहाँ बच्चे मिसकंसेप्शन ये ले लेते हैं कि यार मैं इसमें मैं कैड सीख गया, मैं कुछ कर लूंगा। हम लोग कभी भी नहीं कोशिश कर रहे कि बच्चे थर्ड ईयर खत्म करने तक कैड को यूज करें। तो हम उनको अभी आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑटोकैड की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट दे कैन नॉट यूज इट, ताकि ये ना हो कि जब वो थर्ड ईयर में जाएं या फोर्थ ईयर में जब स्टार्ट करें, तो उनको एकदम से कैड और सॉफ्टवेयर का दिमाग में ना। अभी से हम चाह रहे हैं कि उनके दिमाग में एटलीस्ट 15% या 20% ऑफ दोस थिंग्स शुड बी इन देयर माइंड व्हेन दे गो टू द फोर्थ ईयर, अगले साल नेक्स्ट में जाएंगे जब, तो दे कैन हैव एटलीस्ट सम आइडिया। अगर वो अभी से हाथ की ड्राइंग छोड़ के कैड पे चले गए, तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन फ्यूचर। वो सबसे बड़ा इश्यू है। इट इज अ वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव थॉट सर। मैं आपकी थॉट को सेकंड करूंगी कि बेसिकली वी आर लिविंग इन द थर्ड वर्ल्ड जनरेशन, और थर्ड वर्ल्ड जनरेशन का एक नेटिव होते हुए हमें इस चीज का बहुत अच्छे से आइडिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो बड़ा पीक पे चल रहा है। तो सर आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बड़ा शॉर्ट है, उसके अलावा हम शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं। सो बेसिकली सर व्हाट इज योर पार्ट ऑन इट कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो इस टाइम इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर वो क्यों है? क्या हमारी यूनिवर्सिटी डिग्री उस तरीके से नहीं प्रोड्यूस कर रही है ग्रेजुएट्स, या हमारा जो स्टूडेंट है वो उस तरीके से वो स्किलफुल नहीं है, या हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वो उनको वेलकम नहीं कर रही है? जब मैं मैं थोड़ा सा इसमें पहले क्वेश्चन ना और ऐड शुरू करना किया। चाहूंगा। जी, सर मैं इसी जी जी क्वेश्चन में एक चीज और ऐड करूंगा कि सर जो हमारे कोर्स करिकुलम और कोर्स आउटलाइन हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, या इसमें हमारी जो काउंसिल है उसकी कोशिश चल रही है कि उसको ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे हम अपग्रेड करें, ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सकें? सर ये मेरे क्वेश्चन का पार्ट है जो मैडम ने पूछा अभी साहब। जी, मैं आप ही के क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, वो उसी का बेसिकली रिवर्स पार्ट है, तो मैं स्टार्ट इसी से करता हूँ। सबसे पहले जब भी हमें एनओसी मिला 2018 में हमारी यूनिवर्सिटी अच्छा को, आर्किटेक्चर सही डिपार्टमेंट को, उसके अंदर सबसे बड़ा इश्यू करिकुलम का डिजाइन था, जो चीजें और उसमें आपकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं उसमें, ये देखते हैं काउंसिल वाले कि आपकी मिशन स्टेटमेंट जो आप लेके चल रहे हैं आया कि वो जो भी करिकुलम आप डिसाइड कर रहे हैं पढ़ाने का, वो मैच करते हैं आपस में कि नहीं करते हैं। और ये जो करिकुलम बिल्कुल है, ये एचईसी और पीकेटपी ने मिलके बनाया हुआ है, एक जनरल बना के रखा हुआ है, जिसको बेसिकली अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से उसको अखज किया गया है और उसी को यूज किया गया है। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं 86 में यहाँ से ग्रेजुएट हुआ पाकिस्तान से, एनसीए से,
तो आफ्टर थ्री इयर्स आई वेंट बैक टू आई वेंट टू स्टेट्स एक्चुअली गेट माय मास्टर्स इन आर्किटेक्चर. तो मैं जब मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, नॉट नाउ, मैंने जो डिग्री एनसीए से की थी उस वक्त की, तो मुझे वहां अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं अल्लाह का अभी भी शुक्र करता हूँ, बाजदा और रोता हूँ कई दफा इस चीज पे, कि जो हमने उस वक्त पढ़ा था वो उस वक्त भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थी, ये मैच कर रहा था उस वक्त, कि मुझे वहां जाके मास्टर्स लेवल में कोई भी रिपीट कोर्स नहीं करना पड़ा और कोई भी मुझे एक्स्ट्रा कोर्स नहीं लेना पड़ा. क्योंकि जो भी हम 178 क्रेडिट्स आवर कराते हैं इसमें, विच आर इक्विवेलेंट टू एनी यूएस डिग्री, यूएस के किसी भी स्कूल में अगर 5 इयर्स का कोर्स है, इज इक्विवेलेंट टू दैट. और उसमें अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसमें हम जरा भी नहीं चूके, कि हम जो चीज कर रहे हैं यहाँ पे वो जाके बच्चे वहां कर सकते हैं और उनको ना करना पड़े, एक्स्ट्रा कोर्स ना लेने पड़े. तो करिकुलम वाइज तो उस वक्त तक आपको एनओसी मिलता ही नहीं है यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने के लिए, जब तक वो अप्रूव पिकेट भी जो काउंसिल है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर, वो उसको अप्रूव करती है पहले और फिर उसको एचईसी भी साथ अप्रूव करती है, तो उसके बाद आप कोर्स स्टार्ट, एनओसी आपको तब मिलता है इसके बाद. हमने मेक श्योर किया कि हम जितने भी सब्जेक्ट हैं आर्ट से लेके, बल्कि इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल सिस्टम भी पढ़ते हैं, और जब बच्चा निकलता है तो उसको ही नो अबाउट था आपका जो लिफ्ट का सिस्टम क्या है. एवरी आपने बेसिकली नाउन ही का यूज कर लिया सर. आई वांट टू सेकंड योर थॉट है कि आपने ही का यूज किया सर, क्या आर्किटेक्ट की फील्ड के अंदर टर्नओवर बॉयज का ज्यादा है एज अ स्टूडेंट, गर्ल्स का कम है, और अगर कम है तो सर क्यों है, मतलब आपने क्या रीजंस फील किए हैं एज अ प्रिंसिपल और एज अ हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट? मैं आपको फिर खैर मिसाल बंदा अपने से ही देने शुरू करता है. जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, हम लोग अराउंड 45 स्टूडेंट थे जब हम लोग ग्रेजुएट हुए अपनी क्लास में, उसमें से 6 लड़कियां थी हमारे साथ और 39 हम लोग मेल थे. अल्हम्दुलिल्लाह सब आर्किटेक्ट बन गए, वो भी बन गई, अभी भी जान पहचान है, दोस्त हैं, सब मिलना जुलना भी रहता है. अब उनमें से माशाल्लाह 5ों में से किसी ने जॉब नहीं की अभी तक. सर वुमेन हैज टू प्रेफर द डोमेस्टिसिटी फर्स्टली, because I being a woman, I would on this platform be saying that thing ke agar aapko profession ya domestic city mein se choose karna pade being a woman, definitely we have to move in the society, we have to move in the circle, so hamari jo choices hoti hain wo domestic ho jati hain as compared to professional. Nahi dekhe, of course main isme main is cheez ko mana nahi karta hu, lekin mera khayal hai ki agar aapko determined nahi the iska matlab wo bachche ya bachiyan jinhone chhod diya. बहुत से अभी आपके मेडिकल मेडिकल कॉलेजेस में आप देख लीजिए कितने परसेंट लड़कियां जॉब करने वाली थी. बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, व्हाई दे आर वेस्टिंग सीट्स फॉर अदर पीपल, अदर पर्संस, इफ दे डोंट गो, दे आर नॉट परसूइंग, दे आर नॉट परसूइंग द प्रोफेशन, देन दे हैव नो नीड टू कम टू द स्कूल, स्टे होम. सर ये बड़ी बिटर रियलिटी है हमारी, कुछ फीमेल हजरात जो है वो इसको माइंड करती है. नहीं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है ये, तो मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं. अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने टाइम गुजार के लिए पढ़ा है तो और बात है, अगर आप प्रोफेशन बनने के लिए पढ़ा है तो इस टोटली डिफरेंट थिंग. तो उसमें कम से कम They are being the blockage for others. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो स्कोरिंग में कुछ पॉइंट्स की वजह से नीचे रह जाते हैं, और वो गर्ल्स जो ऊपर आ जाती हैं बाद में परसू नहीं करती हैं अपने प्रोफेशनल करियर को. That's very true. मैं बता रहा हूँ जब हम लोग एनसी में थे तब उस वक्त ये था, 25 सीट थी पूरे पंजाब के लिए. यू कैन इमेजिन व्हाट इज कंपटीशन, पूरे पंजाब में से 25 बच्चे सिलेक्ट होते थे. अब उससे आप अंदाजा कर लो कि क्या मेरिट, क्या किस लेवल पे होगा. सर टेकिंग योर पॉइंट, अगर हम जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वी हैव सर इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मुल्तान में हम रह रहे हैं, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे पास वासा है. तो सर क्या आर्किटेक्चर इंजीनियर जो है उनके लिए भी सेम रेशियो जॉब्स की मौजूद है इन डिपार्टमेंट्स में, या अगर हम अदर सिटीज में मूव कर जाएं, एलडीए हमारे पास, एफडीए है, तो क्या आर्किटेक्चर्स के लिए सेम वेटेज है, सेम रेशियो जॉब में दी जा रही है, या इनको भी अभी तक माइनॉरिटी के तौर पर ही देखा जा रहा है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ये अभी तक माइनॉरिटी ही देखा जा रहा है. मैं उसकी वजह बता देता हूँ आपको. देखिए मैं उसी आपका सवाल का पार्ट था कि जो बच्चे जब यहाँ से फारग होते हैं किसी भी आर्किटेक्चर स्कूल से, तो यहाँ स्कोप ऑफ जॉब क्या है इस वक्त? इस वक्त जो यहाँ हमारे मुल्तान रीजन में या इस एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ जैसे एमडीए का ऑफिस है वहां जॉब्स हैं, या लोकल गवर्नमेंट का ऑफिस हैं उसमें जॉब्स होती हैं,
या फिर प्राइवेट ऑफिसेस हैं उसमें लोग जॉब करते हैं, या फिर जो लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं बच्चे वो अपना काम करते हैं, या फिर इसके एजुकेशन के अंदर हैं जो लोग, जैसे कि लोग टीचिंग में आ जाते हैं, तो ये पांच छह मतलब देखिए इससे कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें वो चीज नहीं होती, लेकिन एमडीए में दे आर वेरी लिमिटेड, उसमें वेरी लिमिटेड सीट्स हैं। और उसमें क्या है, एक बंदा अगर असिस्टेंट डायरेक्टर गया तो वो अगर खुदा ना खासा खुद ना छोड़े तो वो 25 साल से पहले वहां से नहीं निकलेगा। वो असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद 3-4 साल के बाद वो डिप्टी डायरेक्टर हो जाएगा, डिप्टी डायरेक्टर वो 10 साल बैठा रहेगा डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे, और फिर उसके बाद अगले 10 साल वो प्रमोट होकर डायरेक्टर बन जाएगा, तो फिर माशाल्लाह रिटायर होकर वहां से निकलेगा। तो आया पीछे बैकलॉग नहीं, ग्रेजुएशन के बाद सर, बच्चे जी 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 सर प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज कंटिन्यू योर आंसर। नहीं मैं वही बात कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम यही है लोकल गवर्नमेंट में, मोस्टली लोग देख, मैं नहीं कहता हूँ कि वो क्वालिफाई होके आते हैं प्रॉपरली, एडहॉक पे रख लिया जाता है उनको, जान पहचान के जरिए ठीक है अच्छा फलाने के जानने वाले रख लो उसको यार, वो 5-10 साल चल रहे होते हैं बगैर उसके, उनको तनख्वाहें मिल रही है ना परमानेंट हुए हैं लेकिन चल रहे हैं, फिर जैसे भी कोई को एक बंदा रिटायर उसको डाल देंगे यार ये हमारे इंटरनल प्रमोशन करके मेक हिम ड्यूटी डायरेक्टर या जो भी करना है, ये वाला ये ग्रेजुएशन के बाद। जी ग्रेजुएशन के बाद क्या पूछा सर? जी जी सर, ग्रेजुएशन के बाद क्या जो डिग्री में दौरान वो कोर्सेज पढ़ते हैं या सॉफ्ट स्किल उनके पास अवेलेबल होते हैं वो इनफ होते हैं मार्केट में कम्पीट करने के लिए, या उनको स्पेशल सर्टिफिकेशन या सॉफ्टवेयर पे ग्रिप रिक्वायर्ड होती है ग्रेजुएशन के बाद भी? नहीं देखें, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, आजकल तो डेफिनेटली आप एक बच्चा ऑफिस से निकलता है, यहाँ से निकलता है डिग्री करने के बाद, तो वो ऑफिस में जाएगा तो जो ऑफिस में काम करने के लिए जो उसने 5 साल में यह पढ़ा है मोर देन एनफ फॉर हिम, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, उससे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बाद, जो 5 साल जो पढ़ चुका है यहाँ पे दैट्स एनफ फॉर हिम, और वो उसको अपने तौर पर जाके कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब वो उसने देखना है कि उस दफ्तर में जहां वो जा रहा है जॉब के लिए व्हाट इज एनवायरमेंट देयर, वहां का उसका बॉस है वो किस किस्म का काम कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कौन सा कर रहा है, तो फिर आपको उस कश्ती में जंप करना पड़ता है कि आप वो सॉफ्टवेयर सीखें, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ तो ऑटोकैड ही यूज हो रही है दफ्तर में ज्यादातर लोगों में, तो जब बच्चों का हम यहाँ कैड सिखा के भेज रहे हैं तो उसका मतलब है फोटोशॉप भी करते हैं, कैड भी कर रहे हैं मुख्तलिफ, और जो प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसमें ये कहीं कमी नहीं कि बच्चा यहाँ से करने के बाद बाहर जाए और वो कर ना सके कुछ आगे, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ सर, इतनी ट्रेनिंग हो जाती है माशाल्लाह इनके लिए, फिर इनको उसमें जाके ये लोग इंटर्न अपना इंटर्नशिप भी करते हैं जाके एक 6 मंथ्स के लिए, या काउंसिल कहती है कि इनको हर समर के अंदर, जैसे मैंने खुद की अपने जमाने हर समर में, वो कहते हैं कि इनको 2-2 महीने 3-3 महीने सेंड देम टू सम लोकल ऑफिसेस इन योर सिटी, अगर बाहर नहीं जा सकते कोशिश करें, लेकिन हमारी किस्मत बदकिस्मती ये है इस मुल्तान में बहुत थोड़े आर्किटेक्ट्स हैं कि जो बच्चों को ये चीज ऑफर कर रहे हैं कि वो उनके लिए ट्रेनिंग के लिए जॉब 2 महीने तो उनको जाने दें, ठीक है देर नॉट पेइंग देर नॉट आस्किंग फॉर मनी, लेकिन वो जाके 2 महीने को सीखे तो सही, अगर 2-2 महीने भी आप चाहे मतलब कि 3 साल में जाते हैं तो आपके पास कम से कम 6-8 महीने का आपने काम सीखा हुआ है, और व्हेन यू गो इन द मार्केट तो आप किसी को कहेंगे कि हाँ जी मैं डिग्री खत्म करके आया हूँ, आई हैव 6 मंथ्स आई वर्क फॉर सच एंड सच आर्किटेक्ट, तो एटलीस्ट वो नो दे नो कि इसको कुछ ना कुछ सीखा हुआ इसने, और कुछ ही तो डिसिप्लिन ही सीखा हुआ किसी ऑफिस में जाके कि कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है, कैसे क्लाइंट से डील करना है, और क्लाइंट डीलिंग इज अ बिग इश्यू बेसिकली, बहुत से लोग अपने क्लाइंट गुमा देते हैं इसी वजह से, दे आर नॉट टॉकिंग देम प्रॉपरली, तो वो चीजें भी हमको देखनी है। आवर गवर्नमेंट्स आर प्लेइंग देयर रोल फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर्किटेक्चर्स, हमारी गवर्नमेंट्स का रोल कितना स्ट्रांग और सॉलिड रहा है इनकी बेटरमेंट और डेवलपमेंट में आर्किटेक्चर्स के लिए? देखिए गवर्नमेंट तो शुरू से ही हमारे यहाँ तो स्टेबल तो हुई कोई नहीं गवर्नमेंट आज तक, जब से मैं पढ़ा हूँ मुझे हम सोचा करते थे यार जब पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, यही साए हमारे सर पर भी थे जब हम ग्रेजुएट हुए थे, हमसे 1 साल पहले के लोग बच्चे आधे लोग फारिग थे उस वक्त, मैं जरूर ज़ियाउलहक के दौर की बात कर रहा हूँ 84-85 की बात है, तो लेकिन विदन मंथ्स 3-4 मंथ्स एवरीबॉडी वाज इन अ जॉब,
मतलब ये थोड़ा सा एक टाइम आता है, मतलब वी हैव टू बियर विद दिस कि भाई सूरत हाल क्या है मुल्क की इस वक्त। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी अगले चार चार महीने के बाद जो लोग निकलेंगे मे बी दे डोंट हैव एनी जॉब ऑन द मार्केट, लेकिन उसका दूसरा पहलू अगर हम देखते हैं, उसका दूसरा पहलू हम देखते हैं, अगर अभी गवर्नमेंट ने जैसे स्कीम शुरू की है कुछ नया, ये जो नया पाकिस्तान के नाम से एक जी, अब उसके अंदर देखेंगे काफी बड़े घर बनेंगे, कितने घर बनने हैं कि अब उसमें कितने लोगों की जॉब खपेगी। उसमें देखें कंस्ट्रक्शन जब भी इंडस्ट्री चलती है इसके साथ अराउंड 60-70 इंडस्ट्री चलती है इसके साथ, मे बी आई एम रॉन्ग लेकिन मेरे ख्याल से यही नंबर है, 60-70 इंडस्ट्री जो है कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड है। इसमें जितनी आप आइटमें देख लें, जो मतलब है कि दरवाजे हैं, दरवाजों के साथ कब्जे बनते हैं, फला चीज है, शीशे के चीजें हैं, वो सब एक इंडस्ट्री बनाती है ना, हर एक अलग अलग चीजें बन के आती हैं, डोर्स हैं, विंडोज हैं, फिर आपका रेलिंग का काम है, आपका पाइप्स का काम है, आपका इलेक्ट्रिकल का जो पीवीसी का पाइप्स बनते हैं कहीं, वो कहीं से तो बनते हैं, तो वो जब चल पड़ेगा इंशाल्लाह तो उससे बहुत सारी चीजें निकलेंगे काम, ये इसमें नहीं कोई शक वाली बात नहीं है, सिर्फ खुदा पे यकीन होना चाहिए। अगर वो चीजें चल पड़ी इंशाल्लाह उसमें देर विल बी, मैं कहता हूँ कि आपके यहाँ आर्किटेक्ट्स की कमी हो जाएगी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आज से 4 साल के बाद। आई विश सर ऐसा हो जाए। नहीं सर देखें ये चीजें जो चल रही है ना, हमें पॉजिटिव होकर देखना चाहिए हर चीज को कम से कम, हम अगर नेगेटिव होकर बैठ गए तो फिर वो कबूतर और बिल्ली वाली क्या, आप कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाएगा। बिल्कुल सर, वैसे भी कुरान पाक में भी है इन्नम अल आमालु बिन्नियात, आप जैसे गुमान करेंगे वैसा ही आप तक आएगा। जी जी बिल्कुल, इस तरह देखें कभी मुल्तान के एरिया में काफी सारी माशाल्लाह डेवलपमेंट, कुछ 76-79 प्रोजेक्ट्स हैं जो लास्ट ईयर साइन हुए हैं, डीसी आमिर खटक साहब ने साइन किए हैं, उसके ऊपर अराउंड 870 मिलियन रुपीज के प्रोजेक्ट हैं, उसमें मेरे पास नंबर्स तो हैं कहीं, कुछ रोड्स के प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर, कुछ आपके हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें चांसेस तो हैं इंशाल्लाह, ग्रो तो हो रही है चीजें, इसमें ये नहीं कि कुछ रुक नहीं पाएगा, तो इंशाल्लाह बेहतर के लिए हमें जो है उम्मीद तो बेहतर के लिए करनी चाहिए। Due to time constraint, I would be coming over my last question. Sir, first thing I want to mention here, आपने सिर्फ professional level पर ही चीजों को explain नहीं किया, बल्कि आपने emotional या आपने ethical level पर भी चीजों को समझाने की बड़ी अच्छी कोशिश की है. Sir, thank you so much. But sir, I want to inquire one thing, that why to choose ISP? What is the biggest thing here? What is the major charm here at this institute? कि students बाकी institutes को छोड़कर इस institute को क्यों choose करें? देखें सबसे कोई भी जैसे पेरेंट्स डिसाइड करता है बच्चे को यूनिवर्सिटी जाना है या बच्चा खुद डिसाइड करता है अपने दोस्तों के साथ बैठ के, देयर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स। एक फैक्टर तो ये है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करता है, दूसरा फैक्टर है कि वो अपने दोस्तों से बात करता है, अच्छा यार कहाँ पढ़ने जाना है, वो कहते नहीं यार लाहौर जाएंगे, वो कहते नहीं नहीं यार इस्लामाबाद जाएंगे, कहते नहीं नहीं यार कराची चलेंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल में जब भी आप यूनिवर्सिटी चूज करते हैं उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर, कि आपको क्या फैक्टर देख के करना चाहिए चीज को। मेरे हिसाब से कि आपको यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका कैंपस देखना चाहिए सबसे पहले, नंबर टू उसकी लोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है उसके जाने तक, और नंबर थ्री मैं कहता हूँ कि स्टेट ऑफ द जो फैसिलिटीज क्या है उनके पास, और कोर्स कंटेंट क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें, मतलब कि लाइब्रेरी का क्या सिस्टम है उनके पास, और स्टाफ की क्वालिफिकेशन क्या है उनके पास, और आया कि वो ऑनलाइन फैसिलिटी है उनके पास, और आया वो जो बिल्डिंग है उनकी वो सस्टेनेबल है, वो सस्टेन करेगी कुछ साल के लिए कि 4 साल बाद, जैसे मोस्टली छोटे छोटे घरों में यूनिवर्सिटियों के कैंपस खुले हुए हैं, तो वो तो डेफिनेटली बंद हो जाएंगी, कोई 6 महीने रहती हैं, 6 महीने आप देखें वहां नया बोर्ड लगा होगा, तो मैं इस सेंस में भी ये कहता हूँ कि आईएसपी को अगर मैं अगर कंसीडर करता हूं, देखें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कैंपस माशाल्लाह 35 एकर्स में ये कैंपस बना हुआ है। और दूसरा पॉइंट जो मैं कह रहा था कि हमारा इसकी लोकेशन क्या है और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी क्या है, और माशाल्लाह पूरे जैसे तकरीबन 35-40 बसेस का हमारा पूरा एक फ्लीट है जो पूरे शहर से बच्चों को इकट्ठा करके हमारे पास पहुंचते हैं,
और मैंने आज तक 2 साल से मुझे यहाँ हो गया ऑलमोस्ट, मैंने कभी नहीं देखा कि बस हमारी 5 मिनट भी लेट कभी हुई है कोई। वर्ष कम और बात होती है, लेकिन रेगुलर दिनों में आई डोंट सी एनी कि कोई बच्चा क्लास में लेट हो जाए मेरी बस लेट हुई है। नो, गाड़ियों वाले लेट हो जाते हैं, बच्चे जो अपनी ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं वो लेट होते हैं, ये नहीं होते। So that's why we are exceptional. जी मैं वैसी उसी तरफ मैं कह रहा हूँ ना, पहले मैंने फैक्टर्स बता रहा हूँ जो चीजें हैं, अब उसमें देखें, उसके बाद आता है कि फैसिलिटीज कितनी है आपके पास, आप उस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ हमारे यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं, लेक्चर थिएटर से लेके लैब्स तक। और फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं कोर्स कंटेंट की, हम लोग जो भी आपने पहले क्वेश्चन किया कि हम जो कोर्स पढ़ा रहे हैं अपने इसमें, मुझे अपने डिपार्टमेंट का तो 110% श्योर हूँ मैं सारा, कि वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोर्स है जो आपको करने के बाद आपको कहीं भी जाने की और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा मेरे जहन में जो है वो सबसे बड़ा लाइब्रेरी का है, हमारी माशाल्लाह लाइब्रेरी जो है इस बेहतरीन लाइब्रेरियों में से एक है मेरा ख्याल इस वक्त। HEC के साथ डिजिटल कनेक्शन भी है हमारी लाइब्रेरी का, प्लेजरिज्म के लिए बेतहाशा हमारे ग्रेट ऑनर जो है रेक्टर साहब ने बहुत बहुत मेहनत की हुई माशाल्लाह ने इस चीज के ऊपर, और उसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिला है कि लाइब्रेरी में जाए। और मैं अपना कह सकता हूँ हमारी डिपार्टमेंट में अपनी लाइब्रेरी है मेरे पास, जिसमें हमारे आर्किटेक्चर के बच्चे अपनी ही लाइब्रेरी में जाते हैं, जिसमें उनको कोई तकलीफ नहीं है बाहर जाने जाए ढूंढे, उनको हमने हर रोज क्लास में एक आधा पौना घंटा एलोकेट किया जाता है उनको क्लास में, जिसमें उनकी रेगुलर स्टूडियो क्लास होती है कुछ 6 घंटे की होती है, तो उसमें से हम लोग आधा पौना घंटा बच्चों को कहते हैं कि आप लाइब्रेरी जरूर जाए, वहां जाकर देखें जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं उसके बारे में देखें, और जो आपको रिक्वायरमेंट चीजें हैं जो यहाँ पे किताबें नहीं है हमारे पास वो हमारी मेन लाइब्रेरी में, क्योंकि हमारे साथ आपके सिविल की और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, क्योंकि सब कंबाइन चीजें हमें इकट्ठी बात चीजें पढ़नी पड़ती हैं और देखनी पड़ती हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है, सीवरेज सिस्टम क्या है, एयर कंडीशनिंग कैसे होगी, तो वो कुछ बुक्स हमारे अपनी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, उसके बाद कुछ बुक्स हम जो है हमारी मेन लाइब्रेरी के अंदर भी मौजूद है। उसके बाद आपका क्वालिफाइड फैकल्टी की बात आती है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ हमारे पास हम लोग 5 फुल टाइम फैकल्टी मेंबर हैं, जो मैं 33 ईयर एक्सपीरियंस मेरे पास है, नजर अब्बास काजमी साहब है माशाल्लाह मेरे साथ सीनियर प्रोफेसर हमारे, उनके पास वो मेरे 2 साल सीनियर है मुझसे माशाल्लाह, ही 35 ईयर्स 36 ईयर्स बल्कि। फिर मेरे पास नासर अली मिर्जा साहब हैं, वो एक इंटीरियर डिजाइन के अंदर भी एक मतलब उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और बड़ी पूरी उनकी एक अथॉरिटी है इस वक्त, अब वो भी क्लासें हमारे साथ कर रहे हैं। तो बाकी नईम खालिद साहब हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर और दाऊद कॉलेज से पढ़े हुए हैं माशाल्लाह, उनका भी 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो फैकल्टी वाइज हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, और हम लोग मोस्टली जो है दाऊद ये जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है आपकी NFC, वहाँ हम बड़ा हमें इस चीज़ पे बड़ा मतलब फख्र है इस चीज़ पे कि हम एज ए ज्यूरर्स वहाँ जाते हैं उनकी 5th ईयर की ज्यूरीज लेने के लिए, जो कि इतना सा स्मॉल थिंग अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा हमारे लिए अवार्ड है। मतलब बाद में काउंसिल की तरफ से भी लेटर हमें आते हैं बाद में कि जी आपने फलां जगह पे आपने ज्यूरी किए जाके, क्योंकि गवर्नमेंट काउंसिल आपको कहती है कि आप बाहर से ज्यूरर्स को बुलाएं, उनके हर प्रोजेक्ट के लिए हमें बाहर से ज्यूरर्स बुलाने पड़ते हैं हर यूनिवर्सिटी को, वरना वो मानते ही नहीं। उसके बाद में एक और चीज जो अभी एक छोटी सी एंड में चीज में रखल रहेगी, ये ऑनलाइन फैसिलिटी के बारे में मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस वक्त, कि बजाय के बच्चों का साल 6 महीने या साल ज़ाया होता, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ नहीं हो रही, वो बच्चे टाइम से काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और भी एक मेंशन करना चाहता हूँ कि जो आर्किटेक्चर में जो बच्चे मेरे पास 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में है, और मैं प्राउडली कहता हूँ कि 100% हमारी जो है उसमें अटेंडेंस है। मैं बाकी स्कूल्स लाहौर में इधर उधर मालूम पड़ा है कि किसी के पास 40% बच्चे आ रहे हैं, किसी के 30% है, और हमने काउंसिल लिख के भेजा है कि हमारे पास माशाल्लाह हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 100% पूरी ऑनलाइन काम कर रही है इस वक्त। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि प्लस पॉइंट है इस वक्त कि हमारा जो यूनिवर्सिटी ने अपना LMS सिस्टम डेवलप किया हुआ है और वो बहुत ही पायदार है, उसकी मतलब है कि आप कोई आप कंपेयर नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मतलब मेरा अपना बेटा लाहौर में पढ़ रहा है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, लेकिन वो दे आर यूजिंग जूम और ये और वो, जो इट इज नॉट प्रॉपर टूल। हमारा ये है ये माशाल्लाह सारा रिकॉर्डेड है, हम कल को आप कोई भी किसी बच्चे की असाइनमेंट निकालें कुछ भी करें वो रिकॉर्ड प्रिंटेड है हमारे पास,
आप कहीं भी इसको कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बेस्ट है इस वक्त तक, जब तक सूरत हाल खराब चल रही है अल्लाह ताला बहुत जल्द उसको बेहतर करे, लेकिन उसके बावजूद मैं बड़ा मतलब मुतमईन हूँ कि हम लोग अच्छी तरीके से अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, और जो बच्चे हमारे आना चाहते हैं नेक्स्ट क्लासों में, और उनके लिए मेरे ख्याल इसे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और मैं इसके बाद मेरा ख्याल है कि मैं एक दो लफ्ज रेक्टर साहब के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने माशाल्लाह अपनी अंथक मेहनत ये इसमें डेडिकेशन के बगैर ये काम गारंटी ले लें ये नहीं हो सकता, इतनी डेडिकेशन से वो कर रहे हैं और उनकी टीम माशाल्लाह सारी टीम उनकी, मैं उनके लिए एक दफा बिल्कुल मतलब एक क्लैप करना चाहता हूँ अपने तौर पे कि उन्होंने दे डन वेरी गुड वर्क, और इंशाल्लाह मतलब उसके लिए बेहतर होगा ये सर। फ्यू लास्ट लाइंस फ्रॉम माय साइड, मैं चाहूंगा कि कुछ इसमें ऐड करूं सर। अल्हम्दुलिल्लाह आवर इंस्टीट्यूट इज अमंग दोस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं बात करूं जो एक बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स को हर डिपार्टमेंट में हर स्टेज पे फैसिलिटेट कर रहे हैं, एंड आई एम होपफुल कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसी रूटीन को हम बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। वन लास्ट मैसेज फ्रॉम माय साइड इज के मायूसी कुफर है। हम लोग जब ग्रेजुएट होते हैं हमारा स्टूडेंट काफी परेशान रहता है, वो परेशानी उसकी वैलिड होती है कि एक अच्छी जॉब की तलाश हर इंसान को रहती है, लेकिन आपकी स्ट्रगल कितनी है, आपका हार्डवर्क कितना है, वो आपको एक क्रिस्टल क्लियर आपके सामने इमेज बन के आ जाता है कि आप किस पोजीशन पे कितने अरसे बाद पहुंच सकते हैं। तो सर मैं अपने समेत तमाम मुसलमानों के लिए दुआ गूं कि अल्लाह पाक हमें हम सबको हर तरह की परेशानियों से महफूज रखे। अपने इदारे के लिए मैं दुआ गूं, अपने तमाम फैकल्टी के लिए, जितना मैनेजेरियल स्टाफ है इस तमाम ऑनलाइन प्रोसेस को लेके चल रहा है। सर थैंक्स, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और आई एम होपफुल कि हमारे इस सेशन से काफी कुछ लोगों को सीखने का जरूर मौका मिला होगा। सर वंस अगेन बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं एक दो वर्ड कहना चाहता हूँ, मतलब इसमें के बच्चों का भी बहुत सारा हाथ है इसके अंदर, पढ़ने के अंदर। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है। तो अगर अल्लाह ताला सबको खुश रखे इन लोगों को और हिफ्ज़ व अमान में रखे सारों को, तो हमें इंशाल्लाह अपने ये है कि डेडिकेशन और स्ट्रगल करते रहे बच्चे, तो मायूसी कभी नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये जो बात है कि हम पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिली, बस चीजें खुदा की तरफ से होती हैं, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो अल्लाह सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। We are so much honored sir, to have you here on board. यहाँ पर सर एंड में एक बात करना चाहूंगी, as being a faculty member here at ISP, I just want to salute the whole team of online learning management system. And after that, sir, I want to mention one thing that yes, you are classy, your modern buildings play a very important role in prosperity. But undoubtedly, humanity comes first. So sir, humanity के ऊपर हमें कभी भी ignorance नहीं होना चाहिए. Humanity क्या है? आपको अपनों के लिए care करने की ज़रूरत है. You just have to care for others around you, and you just have to be very protective for them as well, because without protection ya without measuring the safeguards, agar aap apne apno ko aaj kho denge ya unke liye aap time manage nahi kar sakte, aap kabhi bhi unko wapas nahi pa sakte, so you cannot won't be able to get them back. So take care for the beloved ones, for the people who are living around you, and just be very careful for the standards of humanity. Thank you so much, SCDC studio. Allah Hafiz. Very true. Khuda Hafiz.